से सर्कल में आप तो सर फोटो अच्छा मैं कुलपति महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आके पंडित अजय चक्रवर्ती जी का पारंपरिक रूप से कलश का स्वागत करें। ट्रेडिशनल बिल्डिंग नहीं होता तो इसमें साथ का एक एक मिनट कीमती है। शिक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षक के साथ साथ एक आकांक्षी पथ प्रदर्शक भी रहे। आप सितार के अलावा रुद्रवीणा, सुरबहार, दिलरुबा, सारंगी, सरोद एवं पखावज बजाने में भी माहिर थे। आपने हाइपरटेंशन जैसी बीमारी के इलाज के लिए थाट काफी में एक राग आनंदमयी की रचना भी की। आपके मुख्य शिष्यों में पंडित बुद्धादेव मुखर्जी आपके सुपुत्र, पंडित सुधाकर शिवलेकर, पंडित संजय बनर्जी, अवीन्द्र जी, अनुपमा जी तथा आशिमा जी आदि हैं। टीम भिलाई एंथम का मुख्य उद्देश्य डिफरेंट एबल चाइल्ड्स और ओल्ड एज लोगों के लिए कार्य करना तथा शास्त्रीय संगीत की सुरक्षा कर छत्तीसगढ़ की राजधानी का प्रतिनिधित्व करना है। हम सभी विद्यार्थी भाग्यशाली हैं कि विमलार्पण के भी आर महोत्सव में सिर्फ संगीत सम्मेलन या महोत्सव नहीं, विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पधारे विद्वानों के व्याख्यानों का भी आयोजन किया है, जिसके लिए आज हमारे बीच पधारे हैं पद्मश्री पंडित आचार्य पंडित अजय चक्रवर्ती जी। मूलतः शास्त्रीय संगीत के एक सम्मानित एवं प्रवीण कलाकार हैं। आप लगभग पिछले 3 दशकों लगभग 80 के दशक से वर्तमान तक देश विदेशों के सभी प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में अपनी सफल प्रस्तुति दे रहे हैं, दे चुके हैं तथा निरंतर दे भी रहे हैं। आप 1933 में कुमार गंधर्व पुरस्कार, सन 2011 में पद्मश्री पुरस्कार, सन 2012 में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महासंगीत एवं बंग विभूषण सम्मान, 2014 में कर्नाटक सरकार द्वारा आपको वासव्रज राजगुरु पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपने 2 पुस्तकें श्रुति नंदन तथा गीति नंदन का लेखन कार्य भी किया है। वर्तमान में आप संगीत रिसर्च अकादमी कोलकाता में वरिष्ठ गुरु के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आज उपस्थित सभी विद्यार्थी आपकी उपस्थिति का भरपूर लाभ उठाएं। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं पंडित अजय चक्रवर्ती जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप कार्यशाला का प्रारंभ करें। धन्यवाद।
थोड़ा सा ट्रिम भी कम कर दीजिए और वॉइस भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आप सुनेंगे रहने सबको। और मांडवी जी को बहुत बहुत नमस्कार, सुष्मिता जी को बहुत बहुत नमस्कार, और सारे अध्यापकों को, सारे मेंबर्स को यहाँ मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक मामूली छात्र हूँ संगीत की, और ये मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, शायद इसको समझने में मुझे 60 साल लग गया। I've started learning for the last 60 years, मगर अभी भी इतना सा मालूम है, इससे ज़्यादा मालूम नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है ये, केवल एक दफे नहीं, ये जो आप देख रहे पीछे KBR संगीत सम्मेलन, संगीत समारोह के लिए संगीत आयोजन, जो कि हमारे बहुत मित्र बुधादित्य का पिताजी के नाम से, बुधादित्य हमसे थोड़ा छोटा है मगर वो हमारे दोस्त जैसे हैं। आज से नहीं, बुधादित्य का सितार वादन और मेरा गायन करीब करीब एक ही वक्त में शुरू हुआ था, और मैं रायपुर में इंदिरा संगीत महाविद्यालय में भी बहुत दफे आया, मिस्टर अरुण सिंह और अनिता सिंह जी के साथ मेरा बहुत गहरा परिचय था। वो नहीं रहे, मगर शेखर जी जो कि संगीत नाटक अकेडमी के अभी चेयरमैन हैं, मैं जब आता था शेखर बहुत ही छोटा था, उनके साथ भी हमारा वैसे ही रिश्ता आज तक रहा। और छत्तीसगढ़ होने से पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जब थे तब मिला कुमार गंधर्व अवार्ड मिला, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस जगह जो है ये भारत का हार्ट है, मतलब बीच में है, सबसे कीमती शरीर में हार्ट माना जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ म्यूजिक का हार्ट है। हार्ट का केयर बहुत अच्छी तरह लेना चाहिए, इसीलिए सुष्मिता जी वो हमारे छोटी बहन जैसी है, शी इज़ ए वेरी डेडिकेटेड लेडी, वेरी डेडिकेटेड, खुद भी गाती है लिखती है बहुत अच्छी, मगर इस एरिया में वो पैदा हुए थे भिलाई में, तो भिलाई रायपुर फिर खैरागढ़ रायगढ़ ये सब एरिया में बहुत पुराने संगीत का ट्रेडिशन है। इस चीज़ को हमें सब मिलके पुनर्जीवित करना है, बहुत अच्छी तरह इसको आगे ले जाना है। और मांडवी जी इज एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग, उनके दिल में इतना इच्छा है कि किसी तरह हमारे छात्रों को संगीत की कीमत समझ में आए। मैं ये बोला कि इस पिछले 60 साल से मैं सीख रहा हूँ, आप शायद समझ रहे कि बहुत बड़े लोगों को ऐसे ही बातचीत होता है, नहीं ये सच है, क्योंकि अभी तक सार समझने में काफ़ी समय लग जाता है। दिल में एक दफे आ गया तो समझिए कि बहुत कुछ मिल गया। हम शुरू करने से पहले वहाँ जाके दिया जलाया, दिया में क्या है,
हम संस्कृत में बोलते हैं अजिज्ञान तिमिरां नस्य ज्ञानांजनि शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञान से ज्ञान का जो जर्नी है वो शुरू कराते हैं गुरु। दिया भी एक किस्म का गुरु है, पहले कुछ नहीं था, जैसे इग्नाइट किया गया ऐसे दिया जल गया, रोशनी आ गई। अब रोशनी की दूसरी प्रकार भी मिलने लगा फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अल्वा एडिसन ने बनाया था। मगर एक बात आपको शायद मालूम है या नहीं है, अल्वा एडिसन केवल इलेक्ट्रिसिटी का पैदाइश नहीं किए थे, रिकॉर्डिंग का भी उन्होंने पैदाइश किया। पहले जब उन्होंने रिकॉर्डिंग मशीन बनाया तो उन्होंने जर्मनी से हमारे मैक्स मुलर जी को बुलाया कि आप आइए, आपका गला मैं पहले रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बिकॉज ही वॉज ए स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं इंग्लैंड आ जाऊँगा, क्योंकि इंग्लैंड में थे अल्वा एडिसन। तो आए, फिर पहले क्या पढ़ा था आपको मालूम है? आते ही थोड़ा सा सुर दो, सुर में तो नहीं पढ़े थे और मैं सुर में पढ़ रहा हूँ। आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुःश्रोत्रमथवदनेन्द्रियाणि च सर्वाणि कौन सा लैंग्वेज है, तो इंग्लैंड में कोई नहीं बोल सके कि कौन सा लैंग्वेज है। तो उन्होंने बोला कि जब हमने कपड़ा तक पहनना नहीं सीखा, तब ईस्ट में एक कंट्री है जिसका नाम है भारतवर्ष, वहाँ के लोग वेद उपनिषद सब लिख के रखे थे। तो हम लोग कोई मामूली आदमी नहीं है। इंडिया इज स्टिल द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। So far our music and our spiritualism, यानी संस्कार, श्रद्धा, प्यार, विश्वास और समर्पण, ऐसा वैल्यू दुनिया में कहीं नहीं है। तो उस देश के हम संगीत के छात्र हैं, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ दो टेक्निक और दो राग का बंदिश बताने के लिए नहीं आया। I am here to tell you a fact कि आप सब इस देश का झंडा बहुत ऊंचा तक ले जा सकते हैं। कि मैं एक प्रॉमिस को डेवलप करिए, एक प्रॉमिस कि मैं जो गाऊंगा वो राग होगा, मैं राग नहीं गाऊंगा, मैं गाऊंगा तब राग होगा। जैसे टैगोर ने बताया, अमार चेतनार लोगे पान्ना हो सबूज। कोई इंसान आया था, उन्होंने बताया था कि पन्ना जो है वो ग्रीन है, उन्होंने बताया था तब ग्रीन शब्द आया था। तो इसी तरह अगर मैं गाऊंगा तब गुण के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि मैं गुण के लिए गाऊंगा। मैं आज सुबह ही, मेरा बड़े बेटा है वो अनल, हमारे घर में पैदा नहीं हुआ मगर इज मोर देन माई सन, क्योंकि हिज आइडिया ऑफ लिविंग, आइडिया ऑफ म्यूजिक, एवरीथिंग
was developed by his parents first, especially his father. सात साल उम्र के बाद में मेरे पास ही रहे. Arnold Chatterjee, he is a very effective, young, energetic and knowledgeable young musician. हम कब तक रहेंगे दुनिया में मालूम नहीं है, क्योंकि आई एम नाउ 67. उम्र एक बहुत सच्ची चीज है जिसके लिहाज से हमें चलना पड़ता है. अभी जो कलकत्ता में संस्था बनी है श्रुति नंदन, उसका पहले ही भी ITC संगीत रिसर्च अकेडमी से हुआ है. ITC संगीत रिसर्च अकेडमी इज द प्रीमियर एंड ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स ओन काइंड इन द होल कंट्री. वो नहीं होता तो श्रुति नंदन में नहीं होता. ITC संगीत रिसर्च अकेडमी में परफॉर्मेंस सिखाया जाता है. संगीत में दो चीज है, एक है विद्या, मगर विद्या का प्रकाश नहीं हो सकता है जब तक परफॉर्मेंस ना हो. अगर मैं बोलूं कि ये लाल बॉल है, ये नील बॉल है, अगर लाल कलर के बॉल अगर ना दिखाऊं तो लाल बॉल कैसे बताऊं? देखना पड़ता है तभी विश्वास होता है. मैं मांडवी जी को के बारे में सुना मगर देखा नहीं. जब आके देखा फिर बात किया फिर पहचान हुआ तो क्या हुआ, इंसान को थोड़ा जाना. अभी तक बहुत अच्छी तरह नहीं जान सका क्योंकि उनके साथ बहुत टाइम गुजारना पड़ेगा तब जाकर हम सब जान सकते हैं. इसी तरह एक ही स्वर के साथ बहुत टाइम गुजारना पड़ता है तब जाके अच्छी तरह सारी रे के 12 स्वर को कब्जे में ला सकते हैं. इसमें सालों चला जाता है 12 स्वर को केवल अपनाना. आज मैं यहां से कम बात करूंगा, आप लोगों को सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं. और जवाब ऐसा जवाब, आपको जो भी सवाल है, एनी काइंड ऑफ एनी क्वेश्चन, आई एम प्रिपेयर टू आंसर एंड आई नो व्हाट आर द आंसर्स. 60 साल में मैं इतना सा सीखा, मगर उसमें वो बोल सकता हूँ कि आपका किसी भी क्वेश्चन का क्या आंसर है. तो आई विल आस्क सुष्मिता जी, रायपुर से शुरू करो या भिलाई से या खैरागढ़ से? खैरागढ़ से, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हो. आप हमारे करीब, बेटी को उम्र को इससे छोटी भी हो, तो यू आर ऑल लाइक माय सन एंड डॉटर. तो यहाँ एक आर्टिफिशियल बाबा बैठे हैं. पहले खैरागढ़ से मैं पूछूंगा कि व्हाट आर द क्वेश्चंस यू वांट टू लर्न. नंबर वन, उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में कलाकार बनने का, मैं कलाकार बन के दिखाऊंगा ऐसा प्रवेश कितने लोगों का है, हाथ उठाइए. बहुत है. गाना जो सीखते हैं सबको कलाकार बनने का इच्छा होता है. क्या कलाकार? कि यहां आप बैठेंगे मैं वहां बैठूंगा. तो यहां बैठने के लिए क्या चाहिए? यहाँ बैठने के लिए जो मैं गाऊंगा वो चाहिए. बात करने से नहीं होगा. फयाज खान साहब का, उस्ताद फयाज खान साहब की गाना था, बात करे कुछ हो इतना ही, ये दौड़ ये मैदान, अब गुनन की लड़ाई लड़िए, सब गुनी मारे तान की बाण. ये गुजर चुड़ी का उस्ताद फयाज खान साहब को बंदिश है. तो तान की बाण छोड़ो, मगर गाना सुनने के बाद आह क्या आराम, ये तो होना चाहिए, नहीं तो फिर कलाकार कैसे बनेंगे? तो उसके लिए आपको भूख कितना है और वो भूख को कैसे शांत करना चाहिए, कैसे खाना, क्या खाना है,
उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहाँ से ग्रेजुएट किया, मास्टर्स किया। वहाँ मैं देखा कुछ सिलेबस बनी है, उस सिलेबस के लिहाज से हमें सीखना पड़ता है। तो अभी एक वक्त आया है जो कि संगीत को बहुत आगे ले जाने का कोशिश चल रही है दुनिया में। मैं मांडवी जी को ये बात बोलूंगा, ये मैं बोला भी पहले एक दफे, कि सिलेबस को वो सिलेबस रखे जो कि हम गा सके, हम कर सके, जो कि एब्सर्ड है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उसको सिलेबस पर रख के तो फायदा नहीं। जानने के लिए जरूर एक सोच है सिलेबस के पीछे, ऐसा नहीं है कि बेकार है, नॉलेज के लिए जरूरत है कि कहाँ भोपाली देशकार बन जाता है, देशकार की दैवत और शुद्ध कल्याण की दैवत कहाँ से आएगा, ये तो आप लोग जानते हैं, सीखना शुरू किया उसका कितना गहरा प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी गा के समझाने का आपको आता है, वही चीज को हासिल करना है। क्योंकि आज दिस इज वेरी आई एम रियली सॉरी टू से कि हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार पैदा हुए जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब, जैसे भीमसेन जोशी जी, बड़े बड़े अली खान साहब, क्या नाम बताओ, आमिर खान साहब, सारे विलायत खान साहब, मगर यहाँ हम हमारे ये भगवान की तरह ये कलाकार है, गुरु की नहीं, नामी नहीं, एक शब्द आता है भगवान, भगवान के तरह ये लोग रहे और हम उनको पूजा करते हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ऑल ग्रेट्स। मगर ये कम्युनिकेशन अच्छी तरह नहीं हुआ कि ताकि ना तो उसका कोई हिस्ट्री मिलता है कि बिस्मिल्लाह खान साहब शुरू में कौन से दिन क्या रियाज किया, या गुलाम अली खान साहब तंबूरा लेके उनके पिताजी पहले दिन क्या करने के लिए बोला, थोड़ा थोड़ा कभी कभी अंदाज मिलता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टू शेयर, देना अगले जनरेशन को, देना एज गिफ्ट। हमारे देश का सबसे बड़ा गिफ्ट है संगीत, म्यूजिक, क्योंकि हम वेस्ट के कोई भी वॉइस थ्रोइंग कर सकते हैं, मगर वेस्टर्न लोग इंडियन राग संगीत का एक मीड नहीं बोल सकते, जो कि सच है, ये मैं 50 दफे इसको प्रूफ किया। मगर इस चीज को आप लोगों से शेयर करना चाहिए ताकि, क्योंकि भारतवर्ष में मुझे 100% मालूम नहीं, मगर मुझे इतना मालूम है कि संगीत के लिए सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर है तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का है। एक टाइम था, आप किसी को मालूम नहीं, कि जब संगीत रिसर्च अकेडमी बना था तब लोगों ने बोला था कि इसको एफिलिएशन खैरागढ़ से दिया करो, शायद कुछ कागज इधर उधर से आया भी था कि संगीत रिसर्च अकेडमी जैसा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन बनी तो इसका खैरागढ़ से एफिलिएशन लेना चाहिए, इतना बड़ा इज्जत का बात था। आज खैरागढ़ यूनिवर्सिटी संगीत रिसर्च अकेडमी की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ के कलाकार रशीद खान, कौशिकी चक्रवर्ती, ओंकार दादरकर, सभी लोग वहाँ से कलाकार बन के निकला, छोटा बड़ा करीब करीब सभी लोग गा बजा रहे हैं, दुनिया उनको जानता है। हम चाहते हैं कि खैरागढ़ से भी ऐसे 10 कलाकार अगले 5 साल में निकले, बोथ इन वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। हाँ, यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री मिलता है, म्यूजिक का नौकरी भी मिलता है, मगर गा के आहा निकलना उसका कीमत और ही है। ऑनल इज ए वेरी टॉप क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश,
बहुत अच्छा पढ़ाई, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा। पढ़ाई करने के बाद एक दिन आके मुझे पूछा, गुरुजी हमारे सारे दोस्त लोगों को बहुत अच्छी तरह नौकरी मिला, 50,000-60,000 का नौकरी मिलता है, मैं क्या करूं? हमारे सामने तब बहुत अच्छा लगता था। मैं बोला कि देखो तुम इतना अच्छा कर रहे हो गाने में, थोड़ा 2-3 साल की वक्त दो, फिर देखोगे तुम्हारा लाइफ क्या होगा। नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यंग म्यूजिशियन ऑफ द कंट्री। उनको आप सुन के खुश होंगे कि उनको 2 साल पहले आदित्य बिरला अवार्ड मुंबई से भी मिला है। ये जो अवार्ड है, जैसे कि कुमार गंधर्व हो, तानसेन हो, जो कि हमें मालूम है, इसमें क्या होता है, कम उम्र में मिलने से इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आगे जाएंगे और बड़े होंगे और करेंगे। वो चीज आप लोगों में वो आग चाहिए, आग। 5 चीज से दुनिया बनी है, आग, भूम, आकाश, पवन, पानी। गुरुजी ने लिखा, आग, भूम, आकाश, पवन, पानी, बलिहारी तेरी मेहरबानी। तो आग चाहिए आपके अंदर, जो दिया उसमें नहीं, दिया आपके अंदर जलना चाहिए। और एक चीज याद रखना, शम्मा जलती है जो जल रही है, लेकिन ये किसी ने सोचा है कि मोम के बीच में धागे का जिगर जलता है? तो धागे का जिगर जो है, जो हमारा जिंदगी है, वो जलाना पड़ेगा। आप भी बहुत अच्छा गा सकते हो, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, इसको यकीन करो। ऐसा नहीं समझना वो कौशिक चक्रवर्ती बहुत अच्छा, वो जैसा कभी नहीं होगा, बेकार बात है। वो अजय चक्रवर्ती बहुत अच्छा गाते, हम भी गा सकते हैं, हम आज से शुरू करेंगे, ऐसा शुरू करेंगे कि हम लोग पागल बोलेंगे। क्या हो गया इसका? गुलाम अली खान साहब को लाहौर में पागल बताया जाता था, बोले बावड़ा हो गया। अलीबख्श का एक ही लड़का है, वो बावड़ा हो गया, ये बोलते थे गुलाम अली खान साहब, क्योंकि तांबूरा लेके इधर उधर किले में, नदी के ना पास, इधर उधर सब जाके वो आवाज को देखते थे, वॉइस को, पिच को करेक्ट करते थे, उसको बावड़ा बोलते थे लोग। तो ऐसा रियाज चाहिए कि आग ऐसा जलेगा कि कभी बुझेगा नहीं, ऐसा आग जलाइए। मैं इस ये बोलने के लिए हमारा बातचीत खत्म। अभी मैं खैरागर, आप लोग खैरागर के हैं? अच्छा, आप सब खैरागर के? अच्छा, तो आपका सवाल, एक सवाल रिपीटेड ना हो, क्योंकि एक सवाल रिपीट होगा तो टाइम चला जाएगा। आप मैं सवाल, माइक्रोफोन अगर एक है, हाँ आप जरा इधर रहिए, जो भी सवाल पूछना चाहे, आप थोड़ा तकलीफ दूंगा मैं, माफ करना, क्योंकि हमारा गोल है आप सवाल का, सारे सवाल का जवाब मैं देके जाऊंगा जब तक मैं यहाँ हूँ। बताइए पहला कौन सवाल पूछेगा, बस सवाल रिपीटेड ना हो, मगर बहुत सवाल पूछिए, इतना मुश्किल सवाल पूछिए कि मैं जवाब ना दे सकूँ, और मुझे मालूम है कि जवाब दे सकूंगा। गुरुजी चरण स्पर्श। नमस्कार। चरण स्पर्श, मैं ये पूछना चाहता था कि किसी भी गायन में जो नोटेशन होती है, जो बता देते हैं बड़े बड़े म्यूजिशियंस, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए, इस बहुत अच्छा सवाल है। एक होता है स्वर, नोट, और एक होता है सुर, संगीत। स्वर संगीत नहीं है, मगर स्वर से संगीत पैदा होता है। जैसे ABCDEFG, अगर मैं बोलूं ABQN, ISTUV, CDEFG, HIJK,
ये कोई वार्ड नहीं बनेगा। वार्ड बनाने के लिए बोलना पड़ेगा हाउ आर यू, इसमें ना तो एच है, ना तो ओ है, ना तो डब्ल्यू है, ना तो आर है, ना तो वाई ओ यू, कुछ नहीं है। जैसे मैं बोला हाउ आर यू, आई एम फाइन। तो ये अल्फाबेट से वर्ड बना, उसके बाद सेंटेंस बनती है, उसके बाद साहित्य बनती है। ये स्वर से उद्भावन होता है, मगर गाने में, संगीत में स्वर नहीं रहता है, सुर आ जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको मालूम हो गया कि कौन सा राग है, जिन्होंने सीखा या सुना उनको मालूम हो गया कि कौन सा राग है। इसके लिए बहुत सारी चीज एक घंटा धर पकड़ के गाने की जरूरत नहीं है, या यानी लिखित रूप में नहीं हो सकता है। नोटेशन करके कोई चीज संगीत में नहीं होनी चाहिए, ना तो उसमें से कुछ हम सीख सकते हैं, मगर स्वर की जरूरत है, जानने का जरूरत है। मगर पा ये ला का पा है, और ये हमने का पंचम है, राग के लिहाज से जैसे आपका नाक है, आंखें है, फोरहेड है, मगर आपके साथ यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के साथ कोई 100% मिलता जुलता नहीं है। आपका पंचम, उनका पंचम, मेरा पंचम अलग है, मगर पा है, इसका नाम है नाक, मेरा नाक है, हमारे वरिष्ठ तबलावादक इंद्रनील भगवी तथा पिछाए है, पंडित संजय मुखर्जी जो कि फरुखाबाद घराने के तबला नवाज है, और मेरे गुरु भाई जी हैं ज्ञान गुरु पिछाड़ी, उनके उषाते हैं। नाम सबका है और सब अलग है, तो पंचम सबका है, जिसमें है तो है, मगर सब अलग है। तो इस तरह हम लिख देते हैं मापा गामा धा निशा निधा निधा बा मापा गामा धा, कभी प्यार करने वाला ईश्वर नहीं है। तो बोलेगा लगा, तो मगर इसको जानना भी जरूरत है। एबीसीडी नहीं जानो तो फिर सेंटेंस कैसे बनाओ। मगर केवल हम सेंटेंस सुन सुन के बताएंगे तो फिर हम पूछेगा आपका नाम क्या है, बोला आई लिव इन कोलकाता, आप कहाँ रहते हैं, आज चक्रवर्ती। तो आपको वर्ड जानना चाहिए, मगर उस वर्ड को किस तरह बोलना है, आइए कैसे है आप, कितने दिन बाद आपसे मुलाकात हुआ, बहुत आनंद आया, कैसे है, बहुत दिन के बाद आया, मुलाकात करो बीबी में, तो बात यही एक ही है, मगर आपको पता चल गया कि संस्कार किन का कैसा है। तो राग संगीत भी इसी तरह है, जितना प्यार से, जितना विश्वास से, जितना श्रद्धा से, जितना समर्पण से सीखा जाएगा राग उतना ही अच्छा होगा। स्वर जानने का जरूरत है, मगर स्वर से राग नहीं बनता है, राग बनता है सुर से। पहले यहाँ इतने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, सिखाते हैं, उनसे सुर और स्वर में क्या फर्क है आप सबसे पहले उसको पूछ के जानिए। मैं जवाब दे सका, आपको समझ में आया या थोड़ा क्लीन नहीं हुआ,
अगर आप लिखेंगे तो होगा माँ बा गा मा गा, ना तो ये माँ है ना तो ये बा है ना तो ये गा है, मारी है ये धारी है मगर ये हामिल है। आपको इसको बहुत साफ समझना चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं वो स्वर्ग नहीं है, हम जो सीख रहे हैं इंसानियत सीख रहे हैं। हाउ टू से हेलो, हम इंसानियत सीख रहे हैं कि कैसे झुकाव हो सकता है, कैसे विश्वास हो सकता है, कैसे प्यार हो सकता है, कैसे समर्पण हो सकता है। अगर मैं तुमको तुम्हारा जूता साफ कर दूं, मैं इसे बहुत दफे किया, मेरे ड्राइवर को जूता को मैं साफ करके सिखाया, मेरा ड्राइवर को जूता मैं साफ करके सिखाया कि कोई काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर मैं आपको जूता साफ कर सकता हूँ तो आप भी बड़े आराम से मेरा जूता साफ कीजिए। अगर मैं बोलूँ मेरा जूता साफ कर दे, हाँ हम जूता साफ करने के लिए बोले, दिस इज नॉर्मल एटीट्यूड। पहले सेवा करो, पहले दो, फिर सब आपको मिल जाएगा। मिलने के लिए एक ही प्रोसेस है, जितना मिलेगा उससे 10 गुना मैं दूंगा। सुष्मिता जी का एटीट्यूड को मैं इसीलिए इतना श्रद्धा करता हूँ, वो हमसे बहुत छोटी है उम्र में, मगर दिस एटीट्यूड ऑफ गिविंग समथिंग टू द बैक टू द सोसाइटी। आप सबको एक चीज मैं बता रहा हूँ, जितना दोगे इतना राजा बनोगे, जितना लोगे इतना नौकर बनोगे। नौकर बनने का गोल नहीं है, राजा बनना है, क्योंकि मजदूर। और इसी चीज को राख को भी करना, राख को, राख से हजारों साल से, अगर हजारों साल छोड़ दो, कम से कम 150-200 साल से हम यमन भोपाली हमीर निष्कार भैरव सब गा रहे ना, हम सब लेते हैं राग से। भैरव से हमने लिया, मगर दिया क्या भैरव को, हमने कॉन्ट्रीब्यूट क्या किया। बेचारा भैरव कोने में मर रहा है, खाना नहीं है, बाल में तेल नहीं है, कोई सेवा करने का नहीं है, केवल लेने वाला है। तो राग को कुछ दो तब ना वो तुमको देगा। और राग जाने के लिए स्वर को सुर बनाना पड़ेगा। Thank you. Next question. प्रणाम सर। सर आपके इंटरव्यू सर मैंने बहुत सालों से, जब से 5 साल से मैं आया हूँ आपको फॉलो कर रहा हूँ सर मैं, तो सर आपका हमेशा जो सेंट्रलाइज होता है हर चीज़ वो वॉइस ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आप फोकस करते हैं सर, तो उसके बारे में सर आप बताइए कि वॉइस को तीनों ऑक्टेव में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दें। और एक और क्वेश्चन सर मेरा पर्सनल था जो वो वॉवल्स के ऊपर था कि आप वॉवल्स सिंग के प्रैक्टिस को भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट कर दे तो सर। बिल्कुल, देखो आपको भगवान ने हवा दिया, आपके बारे में मैं ऑलरेडी बोला, हवा सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान का। लेने वाला सांस जो है ऑक्सीजन देता है, और छोड़ने वाला सांस जो है गाना देता है। ले रहे हैं प्राण, छोड़ रहे गान। इसको कभी सोचा आपने? और जो कि पानी, जिसके सिवाय हम जी नहीं सकते, हवा जो कि हमारा ओनली रीजन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस है, आग जो हमारे अंदर प्रॉमिस, भूम यानी मादर जमीन, हम बोलते हैं मातृभूमि, वो है हमारा देश, हमारा कंट्री, हमारा मिट्टी, और आकाश द बिगेस्ट प्लेस
to give shape to our thoughts, yani kalpana. ये पांच चीज जिन्होंने दिया उनको दिन में कितना दफे याद करते हैं आप लोग बताइए. चौबीस घंटा याद करना चाहिए उनका. भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, जीसस बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप बताइए कि कितना हम लोग दिन में याद करते हैं और कितना मोबाइल फोन की तरफ देखते हैं. अभी बातचीत ही करना बंद हो गया दोस्तों से, माँ से, बाप से, मोबाइल फोन लगे. आपको मालूम नहीं है मैं मोबाइल को फोन ही लाया नहीं, स्विच ऑफ करने की जरूरत क्यों होगा, मैं छोड़ के आया वहाँ. शायद आप लोग हमसे ज्यादा बिजी नहीं है. तो पहला प्रॉमिस करिए वॉइस ट्रेनिंग के पहले, स्विच ऑफ फोन. ये ज्ञान मत समझना, अस्तित्व के लिए जरूरत है आज. टू लर्न हाउ टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन फॉर 8 hours a day. जैसे 8 घंटे सोते हैं, 7-8 घंटे सोना ही पड़ता है. तो अगर 60 साल आप जिएंगे तो 20 साल सोए, 5 साल बाथरूम रहे, 4 साल रस्ते में रहे, 2 साल बस में रहे, तो कितना साल बचा है. फिर खाने में 3 साल गया, दोस्तों से मिलने के लिए 2 साल गया, तो जॉब करके कनेक्ट करके देखिए 12-14 साल आपको काम के लिए मिलता है उसमें, और 7 साल मोबाइल पे जा रहा है. मोबाइल इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस, नो डाउट, जरूरत है, बहुत काम इसमें हमारा फायदा होता है, मगर खुद को ही पहचाना नहीं केवल मोबाइल फोन देखना, दिस इज नॉट वॉट लिविंग. इंसान इंसान का जिंदगी नहीं है. क्योंकि मैं एकदम गांव के लाइफ भी देखा, फिर कंप्यूटर शुरू शुरू में जब आया मेरा जिंदगी के शुरू में, अभी कंप्यूटर में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो रहा है सारी दुनिया में कंप्यूटर में. मुझे बताइए तो कि एक लता मंगेशकर बन के दिखाया कंप्यूटर, एक फैयाज का सब बन के दिखाया, तो जो आपने पूछा मैं सवाल से हटा नहीं. वॉइस चेंज, वॉइस कल्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कॉन्सेंट्रेशन. इसके लिए मैं मोबाइल फोन की बात किया. कॉन्सेंट्रेशन अगर डेवलप नहीं कर सकते तो गाने के बारे में सोचना भी मत, आज ही छोड़ दो. क्योंकि तांबूला जो बजेगा, बज रहा है, ओ सकते हैं तो मैं इतना कॉन्सेंट्रेशन से सुर को पक्का नहीं लगाऊंगा. अगर वो हिल जाए तो फिर लोग क्यों आएगा हमारे पास, कोई नहीं आएगा. तो पहले कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के बाद वॉइस ट्रेनिंग का बात आता है, उसके पहले बातचीत नहीं है. मैं बहुत कीमती बात बोल रहा हूं, शायद हिंदुस्तान में दूसरा कोई आदमी नहीं है, आई कैन गारंटी, जो मैं बात कर रहा हूँ आप बुला के देख सकते हैं. क्योंकि आज मैं सच बात सच्ची तरीके से बोलना चाहता हूँ. एक स्वर शुद्ध लगाना और भगवान का पैर छूना एक ही चीज है. अब तंबूरा लेके, ये तंबूरा जो है इसका कोई कीमत ही अब नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक तंबूरे पर काम कर रहे हैं. मैं तो अलग अलग पिच का दिखाने का जरूरत है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तंबूरा लेके आया. और प्रोग्राम में आजकल एरोप्लेन में 15 kg से ज़्यादा लेने नहीं देते, तो कपड़ा भी तो लेना पड़ेगा. मैं चाहे एक कपड़ा लेके सारी अमेरिका नहीं घूम सकता, तो एक बैग भी लेना पड़ता है. इसीलिए इतना बड़ा तंबूरा मैं पहले हमेशा ले जाता था, अब मैं नहीं ले जा सकता हूँ बिकॉज ऑफ कुछ वर्थलेस डिसीशन ऑफ आवर पॉलिटिशियन. उनको मालूम नहीं है कि कलाकार के लिए कपड़े से ज्यादा कीमती तंबूरा है.
हमारे पॉलिटिशियंस को मालूम नहीं है कि तमरन को लेने के लिए इजाजत देना चाहिए, चाहे एक आदमी का चार सोने का बॉक्स ना ले लेने, मगर तमरन लेना चाहिए क्योंकि कलाकार है, इनको अच्छी तरह सुनाना है। पहले तंबूरा मिलाना, तंबूरा बजाना और तंबूरे को श्रद्धा करना, हर दिन तंबूरे लेके बैठना, ये दुनिया से जा रहा है तो कैसे सुर लगेगा? जैसे ता 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 क्योंकि सही 12 स्वर लगाना एक जिंदगी में भी होना बहुत कम समय है। इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ रियाज करने के बाद भी कभी भी थोड़ा सा इधर उधर तो गया, ये रशियन जिम्नास्टिक से भी मुश्किल है। सारे गामा पादानी से सबको मालूम है, जो आप स्वर के बारे में पूछ रहे थे सबको मालूम है, मगर मैं बोलूं कि गाधा रेमा का रेपा नहीं सा देगा मा पता रेधा पमा गानी दा गापा सा नहीं गापा सा नहीं दा पमा दा सा नहीं रेपा सा नहीं गाधे का सा नहीं सा देसा नहीं दा पमा वेरे सा। अब सवाल ही नहीं पूछ सकते, कोई हो सकता है तो हमको उठ के पूछो एक भी आदमी, एक मुश्किल कॉम्बिनेशन हमें पूछो एक कोई भी, दिस इज माई ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। पूछो, मैं संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह में आया हूँ, पूछे सवाल। 12-15 स्वर एक साथ बता ही नहीं सकते क्योंकि हमारे ट्रेनिंग सिस्टम ही है नहीं। जैसे तमुरा बज रहा है, गरे गा मा बा दा नी सा बा सा गरे गा मा बा दा नी मा नी दा गा मा बा दा मा गा नी पा सा नी पा मा गा नी पा सा नी दा गा मा बा दा नी नी सा नी गरे गा नी दा गे गा मा बा दा नी सा बा सा गे गा मा मा गा नी सा बिना बल का है। अगर बुमारी गाबा देगा बादा सा बादा दा बादा दीपा गली सागा दा दा देगा बादा दीपा गली गा दा पगा देगा बादा सा बादा दा बादा दा दीपा गली दीपा गली दा गली सा दा देगा बादा सा दा पगा। अब बोल के देखिए, कोई दिखाएगा तो मैं यह 10,000 रुपये उसको कैश अवार्ड दूंगा, मेरे पास है कैश। और इसके ये आपको छोटे बनाने के लिए नहीं, अंदर में आग जलाने के लिए बोल रहा हूं। नॉट ओनली यू, इवन आवर प्रोफेशनल परफॉर्मर्स, कोई भी, क्योंकि हमारे देश में इसका शिक्षा है नहीं कि स्वर का मैं अपनाऊं। यहां पा है तो था तो मा तो रे तो कोमल नी तो तीव्र मा पा गा सा कोमल गा कोमल नी शुद्ध नी पा रे स्वर तो डिफरेंट है। ये हमें ताली मत दीजिए, मैं कब ताली दूँ आपके लिए बताइए, डेट बताइए, मैं आऊँगा, मैं तो जबरदस्ती आ जाऊँगा, मान लीजिए अगर बुलाए ना बुलाए मैं आ जाऊँगा, बोलिए कब सुनू मैं सुनू, डेट बताइए, साल बताइए, मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं आऊँगा। आप कर सकते हैं, केवल स्वर को, एक एक स्वर को देखना, जैसे हाव में देखना, हाव में मैं क्या देखता हूँ, जो इच्छा। हाँ मीन सर क्या देखता है, जो इच्छा। हम चाहते कि मेरे माँ गुजर गई, मैं उनको देखना चाहता, एकदम से उनका मुंह मेरे अंदर आ गया। मेरे पिताजी गुजर गए, मैं उनको देख पाता हूँ। न्यूयॉर्क का रास्ता देख पाता हूँ, सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज देख रहा हूँ, मुझे कौन रोक सकता है बताइए, कोई रोक सकता है? तो इतना कुछ देखा हमने, सब कुछ 12 स्वर नहीं मालूम हुआ, 12 केवल 12 इसलिए मालूम नहीं होता है कि हमारे देश में किसी को अगर पूछा जाए कि आपका फैमिली मेंबर कौन है, बोले कि मेरा भाई है, बड़े भाई है, उनको भाभी जो है, माँ है, बाबा है, सब
आज से आप लोगों का फैमिली का सबसे पहला इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट मेंबर्स होगा ये हमारा स्वर, इसको फैमिली मेंबर बनाइए, खूब प्यार करिए, देखिएगा आपको आसानी से ये बात हो जाएगा। क्योंकि जब सा दिखता है सा तो पा दिखेगा, रे दिखता है तो धा दिखेगा, गा दिखता है तो नी दिखेगा, मा दिखता है तो सा दिखेगा, पुन दिखता है तो पुन दिखेगा, पुन दिखता है तो पुन दिखेगा, हो गया। अब क्या है, अब बताइए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं, तो हमें सुधारिए, आपको क्यों नहीं होगा, आप देखना चाहते हैं क्या नहीं, वो बता दो। तो पादा रेगा तनी गामा, पादा रेगा तनी गामा, पादा सारी गामा धनी, गामा सारी पादा रेगा, पादा गामा धनी, पादा सारी पावर रेगा, पादा निसा, इनके स्वर हुआ गामा धनी सा। अब सारी गामा पर चार प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, आप करके देखिए, आप सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। चार प्रैक्टिस मैं आपको बता के जा रहा हूँ। पहला सा रे गा मा हो गया ना, तो रे गा मा सा, तो गा मा सा रे मा सा रे गा, इसको कोई मुश्किल लग रहा है, सा रे गा मा रे गा मा सा गा मा सा रे मा सा रे गा, दिन ना ना दिन ना ना दिन ना दिन ना ना दिन ताल ताल के साथ दिन दिन, सा रे गा मा रे गा मा सा गा मा सा रे मा सा रे गा, सा रे गा मा रे गा मा सा गा मा सा रे मा सा रे गा, सा रे गा मा रे गा मा गा मा सा रे मा सा रे गा सा रे गा। ये माइक्रोफोन जल्दी दे दीजिए, सा 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 रे गा मा रे गा मा सा गा मा सा रे मा सा रे गा, सा रे गा मा रे गा मा सा सा रे गा मा रे गा मा सा गा मा सा रे मा सा रे गा, सा रे गा मा रे गा मा सा साथ।
इसके सिवाय ताल में है क्या? कुछ भी नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इसमें सारा इंडियन ताल है। अगर धमन होगा तो 3, 4, 3, 2, 2, 3, 4 होगा। अगर रूपक होगा तो 3, 2, 2 होगा। छप्तान होगा तो 2, 3, 2, 3 होगा। एक ताल होगा तो 2, 2, 2, 2, 2, 2 होगा या 3, 3, 3, 3 होगा। 3 ताल होगा 4, 4 होगा। और क्या है? सारा ताल। इसको 10 जो हमारा बेसिक फैमिली है, मैं ठाट शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठाट शब्द इज नॉट करेक्ट। बिलावल, कल्याण, खम्बाज, भैरव, पूर्वी, मरवा का भी, आसा भी, चोरी भैरवी, जो बेसिक स्केल्स है उस पे ये ताल के साथ स्वर रियाज करिए। अब बादशाह बन जाएंगे, बादशाह। यहाँ बैठने का हक मिलेगा आपको, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ अगर मैं करके नहीं दिखा सकूँ तो आप बोलेंगे बाहर जाके हंस देंगे, बोला नहीं बात बहुत करता है, आता नहीं है। वो चांस मैं नहीं दूंगा। मैं करके दिखाऊंगा कि आपको मानना पड़े और विश्वास करना पड़े कि हाँ ये करके दिखाए तो मुझे भी आएगा। वो एक आदमी ने किया तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी आएगा। इसीलिए इसको, इस चीज को करने में क्या पॉइंट हो जाता है, दिस इज ए टाइप ऑफ वॉइस ट्रेनिंग टू हैव द पिच परफेक्शन। तंबूरा जब बजेगा तो पासा द पानी दे मादा सा, तो पासा द मानी दे गादा सा। और एक साथ बोलने से बोले बाबा बहुत मुश्किल है, मगर पासा गा पासा गा पासा गा पासा गा पासा गा पासा गा पासा गा, सब पासा गा ही है। पासा गा पासा गा पासा गा पासा गा, सब पासा गा। तो एक मैं आपको बोला जो कि ताल और स्वर की शुद्धि हो जाएगा, और दूसरी एक चीज मैं बता रहा हूं, ये दो चीज करने से आपको राग संगीत का जो स्किल पार्ट है वो करीब करीब हो जाएगा। वो है सा रे गा मा पा धा नि सा सा रे गा मा पा धा नि सा से रिपीट करके इधर जोड़ दिए। गाके देखिए सा रे गा मा पा धा नि सा। मुख ऐसा उठ रहे, अंदर में देखिए सा रे गा मा पा धा नि सा। दो इधर लगाइए सा रे गा मा पा धा नि सा। आसान चीज है मगर कर कब होगा? पिछले दफा बोल रहे थे हम, हमें भैया ये तो कर्तव्य विद्या है, जो करे उनका होगा, कर तब होगा, कर्तव्य कर तब होगा, करो। ज्ञान से नहीं होगा,
ज्ञान से बाकी कोई भी विद्या हो सकता है, नॉलेज से, जो कि एडॉप्टेड नॉलेज है, किसी ने देखा है, सोचा है, लिखा है, वो पढ़ के मैं नॉलेज एडॉप्ट कर लिया, मगर संगीत नहीं हो सकता है। इसको कर्तव्य विद्या बोला जाता है, कर तभी होगा। आप शायद नहीं जानते हैं, IIT जो कि सबसे देश के टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में सबसे माने जाने माने संस्था है, दे हैव मेड मी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर टू टीच द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर साइंटिफिक अप्लायंसेस थ्रू म्यूजिक। ये मेरा क्रेडिट नहीं है, सारे बड़ों का है, उन्होंने जो दिखा। आज मैं जो बता रहा हूँ, क्या मैं कभी इजाज कर सकता हूँ, कोई कर सकता है संगीत में कुछ क्रिएशन? कुछ नहीं, केवल सजा के देखना और करना, क्योंकि 2 घंटा टाइम है, तो 2 घंटे में मैं बेसिक चीज सब बता के जाना चाहता हूँ, जो कि करने से, क्योंकि आप लोगों में करीब 90% लोग हाथ उठाए थे कि कलाकार बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अगर हाथ नहीं उठाते तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि ये बात मैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके चार्ज सेक्रेटरी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, मगर आपको होने वाला है, आप में होने वाला है, तो इसीलिए मैं तो बताऊँगा जो प्रैक्टिकल करके मैं देखा, सीखा के देखा। आपने बोला भावन, आज भावन बता सकता है और कुछ नहीं बोल सकता है। अब जानते हैं चीज, गले से केवल भावन आता है, कॉन्सोनेंट, इनर माउथ का जो टीथ है, टंग है, या तालब में जिसको बोलते हैं, उससे बनता है, मगर गले से केवल आ ए ई ओ उ 5 स्वर आ सकता है और कुछ नहीं। मगर उसको कोई प्रैक्टिस हमारे संस्कार में है, बताओ। तो जो हमारा गला है उसको एजुकेट करेंगे और वावेली रियाज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? इसीलिए हमको आता है साल कौन सा शब्द, कॉन्सोनेंट भी डिस्टॉर्टेड हो जाता है जब वावेल सही नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं, एक राग ले लेता हूं, जैसे मैं लास्ट टाइम भूपर गाया था, याद है मुझे, आज क्या गाना है मालूम नहीं, जो आकाश बोलेगा और दिल बोलेगा, क्योंकि दिल में मेरा बाहर आकाश से ज्यादा बड़ा आकाश है, उसको मैं पूछूंगा आप क्या बोलते हो, तो उनको कुछ क्या जो इजाजत मिलेगा वो मैं लाऊंगा। तो इस पीछे क्या है, आऊ आ ये प्रभु रंग है, इसका बोलते प्रभु रंग भेना, ओ ए आ उ अ ई आ मोहे सब सुख देना। तो इसको वावल के साथ कभी हम साफ नहीं करते हैं, क्योंकि हम गाना लिखते हैं, कहते नहीं, पहले कागज लेके मेरे उस्ताद जी बनवाली खान साहब, अगर कागज कभी लिया ना तो जूता होकर निकल जाए, तो कागज गाना नहीं गाएगा, गाना तुम गाओगे। तो बाई हार्ट जब तक नहीं होता था, लिखने का रिकॉर्ड करने का कोई इजाजत ही नहीं देते थे, इसीलिए मैं बोला कि 6 साल में 40 राग का विलंबित द्रुत याद करना संभव नहीं है, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इसको डिस्टॉर्ट करो तो हो जाएगा, जबकि वावल डिस्टॉर्टेड हो गया,
तो गाने के शब्द का मतलब भी खराब हो जाएगा, गाना धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड होने लगेगा, गंदा हो जाएगा। सब 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 सुख ऊपर सब सुख दे शब्दों को इंसल्ट करते हैं आप, ब्रह्म मान जाता है, उसको इंसल्ट करना हमारा हक के बाहर है। तो प्रभु रंग भी नाम मोहे सब सुख दीना, दूध पूत और अन्न धन लक्ष्मी सब रंग सब मातर में मोहे नायक की नाम। या पिनाक धर शंकर गंध मान गले विराजे, जटाजूट शीश सोहे डमरू डिबडिबी बाजे। पिनाक धर शंकर गंध माल गले विराजे, जटाजूट शीश सोहे डमरू डिबडिबी बाजे। सकल विघ्न नाशक मंगल विधायक, नाम लेते ही दुख दूर भाजे। शब्द को बहुत अच्छी तरह गाने से पहले पढ़ना चाहिए, लिखना नहीं। जैसे टेगोर का सॉन्ग गाया जाता है सब लोग, मतलब मोर देन 80% लोगों को मतलब ही मालूम नहीं है, गाते हैं तो मतलब मालूम नहीं है तो दुख सुख हो जाता है, सुख दुख हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे मुझे बहुत दर्द हुआ है, अगर मुझे बहुत दर्द हुआ है कैसा लगेगा, कैसा हो रहा है गाने में, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शब्दों का राग से कितने धीरे धीरे तरीके से यह हालत में आ चुका है, दुख सुख हो जाता है, विपदा आनंद हो जाता है, शब्द को मालूम ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसीलिए वायरल की प्रैक्टिस इतना जरूरत है। आ मैं तो बोलता हूँ कि वायरल प्रैक्टिस इन लोगों में कराया, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा केवल आ ए ई ओ उ हर ऑक्टेव में इसको करिए। जैसे क्या होता है हो जाता है, करके देखना सुबह आने के सामने बैठ के देखो हो जाता है। तो जिस तरह से नहीं आना चाहिए। हाँ आप पूछ सकते हैं आपको नहीं आता है, मुझे भी आता है, अभी तो परफेक्ट नहीं बन सका हूँ, मगर कोशिश रहेगा। आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, परफेक्ट हो जाऊंगा तो फिर ईश्वर के बहुत करीब हो जाऊंगा। परफेक्ट शब्द इंसान के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, जस्ट नॉट पॉसिबल। कोशिश परफेक्ट शब्द वहां कर सकते हैं और काफी हद तक कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको स्वर शुद्धि बोला कि टा टा साधा टर ट रे गा म खोल टा 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 पा ध नि पा सा नि, मगर इस सुर है तो पा ध नि पा सा नि तो राग में नहीं लगता है। जब मैं बोलूं आप बहुत दिन के बाद आए, आप बहुत दिन के बाद आए हैं, नहीं होगा। इसमें डायनामिक्स मॉड्यूलेशन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए नॉर्मल ही आएगा और बारह में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। वावल एंड जंक्शन ऑफ वावल आ ए ई उ ई ई आ, ये सब गाने में है। तो पिनाक 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 हो गया। ये सुबह उठ के आईने के सामने देख के,
अगर अच्छा लगा किसी दिन तो बहुत प्यार करना खुद को, आह बहुत अच्छा बयान बोला आज, नहीं लगा थप्पड़ हर दिन दरवाजा बंद करके, थप्पड़ खुद को हर रोज 10 खाना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा नहीं होता है, सबको दिखाने के लिए दूसरा कोई नहीं मरेगा तो फिर तो थाना में जाएंगे तो बाबा ने मुझे मारा है, खुद मारो खुद को इज्जत करो, उसमें किसी को दिखने की जरूरत नहीं है, एक थप्पड़ खुद को मारने से क्या आता जाता है, बल्कि ध्यान दर्द होता है तो पता चलेगा कि मैं गलत हूँ मुझे सुधारना है, तो इसीलिए जो शासन करना है वो खुद को करना है तब जाकर आप बड़े होंगे। तो आपका सवाल का जवाब शायद आपको मिला कि वावल अलग से रियाज करना, और वॉइस ट्रेनिंग जो है वो वॉइस पे क्या है छोटा और बड़ा है, जैसे इसमें एक फ्री आता है ग तो नेचुरली उसमें डायनामिक्स मॉड्यूलेशन आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं अच्छा।
भजन का है तो उसको ना छुपा के मिला था पुत्र, उसको कैसे छुपा। ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल। इधर से सवाल नहीं आ रहा है क्या बात है? राग कैसे बने होंगे? राग हाँ, मतलब जो हम राग सीखते हैं वो बने कैसे होंगे इतने सारे? जो भी राग हमारे देश का है वो सारे जैसे मैं बताऊं, जैसे कुल मनन में जाएगा तो ये सुनाई देगा, मगर सदा नहीं आया। समझ में आता है? जैसे मैं बोलू शोकी तुम्हें कहो भोगो सुखी अमी कल भोगो अमी कल भोगो सुखी अमी कल जमुना बंगाल का कीर्तन है गरेगा साल में चार मिलता है एंड ऑल्सो दोज आर ऑल डीशेप्ड। डीशेप्ड मतलब बोलने मिलता है, तो हमें बहुत पसंद आया कि हम पार्ट चाहिए और उसमें से हम हार बनाना चाहिए। हमने क्या किया, कल्चर्ड पार्ट बनाया। तो उस पार्ट को देख के रिसर्च करके हमने समुद्र में सिलिकॉन डस्ट देखे पर्ल कैसे बनता है, इसको रिसर्च करके पर्ल बना लिया। इसी तरह सारे फोक सॉन्ग से सारे राग का पैदाइश हुआ। जरूरत के लिए अपने अंदाज से खुद को सजाने के लिए मैं कैसे सजाऊं, मगर गरेगा ये शोकी हो सकता है शोकी is a much developed folk art which is close to classical music because इसमें ऐसे ऐसे ताल जैसे दस दस कुशी दो टुकी फिर आपको जैसे तेओट ये सब ताल में कीर्तन बांधा जाता था। अब वो ताल प्रयोग भी है, बहुत मुश्किल ताल है वो। तो इसी तरह अलग अलग जगह से मिट्टी से अलग अलग सूर पैदा हो, जैसे हो ये ओरिजिनल राजस्थान का फोक है जिसको बोलते हैं मांड, मगर किसी को मालूम ही नहीं कि राजस्थान में 24 प्रकार का मांड था। मैं और अनिल जाके 20 साल रिसर्च करके संगीत दलक अकेडमी जोधपुर को मैं 24 प्रकार मांड उनको वापस दे के आया, उनका खुद का है, खुद के मांड में।
उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और उसके लिए क्रेडिट मेरा नहीं है, मांड का है। मैं उनसे भिक्षा मांगा, हे मांड हमें कुछ अंदाज बताओ कैसे हम आपके पास जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 24 प्रकार उसका कॉम्बिनेशन बताया। हम बहुत दिन रिसर्च करके जिस समय हम गए थे और भी था हमारे साथ, तो लोग बोले कि हमारा खोया हुआ चीज़ बंगाल से एक आदमी आके वापस दे के गया। ये सारे गुरुओं का सेवा से जो एक आध पॉइंट मुझे मिला है बस उसी का फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Concentration is one of the most important factor, like if you want to... Not only one of the most important, yes, one sir. Of the most sir, important. I'm sorry to... Sir, how can one develop it? Because there are many several other circumstances which bothers us a lot in just one day, and like at the end of the day we are completely filled with regret that, oh God, I haven't practiced enough. So how can we cope up with that? उठ के बैठ जाना, जस्ट सिट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। दरवाजा बंद करो और तबले के आईने के सामने बैठ जाओ और कुछ नहीं। वन थिंग आई एम टेलिंग यू, दिस इज योर लाइफ, डोंट पे रिस्पेक्ट मोर देन योर सेल्फ। Because ultimately this is you, not me or not any other. Not even parents, not even guru, not even God. Ultimate is yourself. और मैं एक बात और भी आपके साथ बोल रहा हूँ, अगर भगवान है तो आप सबके अंदर है, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, ना काशी कैलाश में, मैं तो तेरे पास में, मुको कहाँ झुठड़े मंदिर। ये भजन आप लोग गाते हैं तो फिर इसको लाइफ में क्यों नहीं लेते हैं? नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में, नाम है क्रिया कर्म में रहता, नाम है याद संन्यास में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाओ, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तब खुद को विश्वास करिए। नहीं होता क्या, जो हो रहा है वो बंद। तंबू लेके बैठूंगा, तंबू लेके उठूंगा, खाना भी नहीं, बाथरूम भी जाना नहीं, नथिंग। ऐसे करिए, क्योंकि उस्ताद लोग यही किया, कुछ नहीं किया, तंबू लेके बैठे रहते थे। गुलाम अली खान साहब के घर जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आए थे, क्योंकि टेलीफोन नहीं था गुलाम अली खान साहब के घर। आई एम टॉकिंग अबाउट 49 or 50। तो नेहरू साहब को इच्छा था कि लाल किला में बड़े गुलाम अली खान साहब गाए, तो उनके इन्विटेशन करने के लिए वो खुद बात करना चाह रहा था, तो टेलीफोन नहीं आया तो क्या करें, तो उनको आना पड़ा। आके दरवाजे में खटखटाया सुबह, तो खान साहब की कोई शाख, क्योंकि खान साहब बहुत मोटे आदमी थे, सुरमंडल लेके बैठे थे, उनका कोई शाख ने दरवाजा खोला, कुलते वो अंदर आए, तो गुलाम अली खान साहब ने पूछा आपकी तारीफ, क्योंकि उनको तो कोई दुनिया नहीं है, जवाहरलाल नेहरू भी कौन है और लता मंगेशकर भी कौन है, तो उनको उसको आवाज से पता। बोले आपका तारीफ, बोले मैं जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री। अरे कितनी नसीब है और आप आए हैं, हम आई 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 बैठे आपके लिए क्या पेश करो, देश का करो या जो चाय ना कॉफी, बल्कि देश का खाओ, पेश करो या जो कौन सा पेश करो। तो नेहरू साहब वहीं बैठ गए, बोले आपकी जो मर्जी। तो फिर खान साहब ने सुना, फिर बोले कि आपके घर में टेलीफोन नहीं है? खान साहब बोले तो मैं शाम को टेलीफोन दूँ। बोले अरे राम राम मत तो बोलो, तो कभी मत दीजिए, हो सके मेरा गाना सत्य ना सुना, टेलीफोन आएगा गुस्सा लगेगा, मैं तो उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा, सारी ही चीज़ से लगेगा, आप ये मेहरबानी मत करना। इसीलिए उनका नाम है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, आज भी सबसे ज्यादा वो उन्हीं का स्टूडेंट है। तो दिस इज माय लाइफ, आई वांट टू लिव अकॉर्डिंग टू माय चॉइस, और मेरा एक ही जिंदगी है दोनों, इसके बाद मैं बिल्ली होऊंगा या कुत्ता होऊंगा कोई मालूम नहीं।
हो सकता है मैं चूहा भी बन जाऊं। तो जब एक लाइफ अच्छा मिला तो इसका मुझे इस्तेमाल करना है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। आपको 15 इयर्स ऑफ एज मैं आटा के साथ गुड़ मिला के और गरम तावा में शेक के मैं गोला रोटी खाता था और कुछ हमें नहीं मिला। माय फादर वाज अ प्राइमरी टीचर, ही कुड नॉट एफोर्ड मोर देन दैट। नाउ आई हैव डायरेक्ट एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिला नहीं मिला नहीं, मगर रियाज करो, कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिला। करो इसको, ठीक है मैं गिनता हूँ बैठता हूँ, तुम इसको 2000 दे दो। आंसू निकल रहा है, खाना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी नहीं है घर में, पंखा माँ चलाती थी। करो तो फिर माँ ने एक दिन पूछा कि तू क्या बेटे को मार दोगे कि क्या कर दो? बोले मेरा बेटा है, चाहे तो मैं मार ही दूंगा, तुम बात करोगे तुमको भी मार दूंगा, पिताजी बोलते थे। करो तो आज कोई सोच सकता है? केवल उन लोगों के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, बाकी कुछ मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, सब उनका है, उन लोगों का, मेरे पिताजी माता जी का, सब। मगर भगवान आप सब हो, केवल खुद के तरफ अंदर भी देखिए कि मैं क्या एक बहुत ऑर्डिनरी बह जाने वाला आदमी हूँ या मैं कुछ करके दिखाऊंगा। स्वामी जी बोलते थे, जो कि मध्य प्रदेश में भी स्वामी जी बहुत दफे आए क्षेत्री के महाराज के पास, वो बोलते थे कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मगर सबके घर में स्वामी विवेकानंद समग्र है पढ़ा, एक लाइन जिंदगी में लिया नहीं, तो फिर क्या फायदा? खैर ये अलग विषय है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था कि हमें घरानों में स्टक होके रहना चाहिए क्या? जैसे अभी युवा कलाकारों में बहुत को देखता हूँ कि मतलब कहते हैं हम ग्वालियर घराने के हैं, लेकिन उनके गायन शैली में, मतलब उस स्टाइल में ग्वालियर घराने से ज्यादा पटियाला स्टाइल दिखता है, किराना स्टाइल दिखता है। तो यही सर मुझे क्लैरिफाई करना था। आप पहले बताइए कि घराना आप क्या समझते हो? स्कूल सर, उसका मतलब क्या है? मान को उसको भविष्य कर देना या भविष्य को विवाह कर देना? तो जवाब को मिल जाएगा, क्योंकि आप राग संगीत गाते हैं ना, तो पहले राग है या पहले घराना है? पहले राग संगीत, राग संगीत है। तो राग को अच्छी तरह सीखने के बाद घराने का बात आएगा। आप सब लोग जहाँ जाता हूँ प्रेस से एक आदमी आता, आप तो पटियाला घराने के, मैं बोलूँ पटियाला घराने में क्या खासियत है बताइए, तो चुप हो जाते हैं। फिर बोलते कि वो तो मालूम नहीं, हम सब बिल्कुल चुप रही। घराना करके एक चीज में बता दूँ, कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। घराना करके कुछ चीज नहीं था, क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल बात ना, मैं जो बोल रहा हूँ। आशिक अली खान साहब, बिब्बे खान साहब, छोटे गुलाम अली खान साहब, सलामत खान साहब, फतेह अली खान साहब, सब पटियाला घराने के हैं, है ना? कुछ सैरियन कैरेक्टरिस्टिक्स उनका है, मगर गुलाम अली खान साहब जब आए सब कलाकार को उन्होंने खा गया। तो ये क्वालिटी गुलाम अली खान साहब का था या पटियाला घराने का था? जब आमिर खान साहब आए किराना घराने को आधे कलाकार को उन्होंने खा गया। एक एक कलाकार, जैसे फयाज खान साहब आए तब आगरा घराना लोगों ने जाना, उसके पहले भी नहीं जानते थे, बाद में भी आगरा घराने का ऐसा कुछ प्रचार प्रसार नहीं हुआ जो कि उस्ताद फयाज का सब करते गए। पर्सनल कंट्रीब्यूशन के साथ घराना डेवलपमेंट हुआ। अगर वो कलाकार नहीं होते तो वो घराना भी नहीं होता। तो घराना पहली चीज नहीं है, पहले राग अच्छी तरह सीखना चाहिए, शब्दों को साफ बोलना चाहिए, स्वर का ज्ञान होना चाहिए, ताल लय का ज्ञान होना चाहिए, वॉइस ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर हाँ कुर्ता आपका और मेरा अलग है, दैट्स ऑल। कुर्ता तो अलग होगा क्योंकि हमारा सफेद पसंद है,
किसी किसी को डार्क पसंद है, किसी को लाल पसंद है, पहनो अपने अंदर से। वो कुर्ता ही है, वो मालकों से है, उसको जैसे भी आप सजाओ। अगर आपको गाना मालकों से है, ये घराने में कुछ पड़ा नहीं है। जरूर घराना एक यूनिकनेस है, मगर घराना एक कन्फाइनमेंट भी है। तो कन्फाइनमेंट और यूनिकनेस दोनों है, आपको क्या लेना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज ग्वालियर घराने में आप बताइए, कृष्णराव शंकर पंडित जी जाने के बाद ग्वालियर का जो बहरावा अंग है वो किन किन को सुनने को मिलता है? थोड़ा उल्लास भाई गाते हैं, जो दोनों कलाकार ग्वालियर के अभी तभी तक है, उनका गाने में कोई ग्वालियर अंग है क्या? अगर है तो मानिक वर्मा जी, सवाई गंधर्व जी और हीराबाई बोर्डकर जी और भीमसेन जोशी जी में इतना फर्क क्यों है? बहुत फर्क है, कुछ मिल ही नहीं है, क्योंकि दे वर ऑल ग्रेट अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस। जैसे किराने घराने में आपको ग्रेजुअल अनफोल्डमेंट बताया जाता है, जो कि सबसे स्वर स्वर के आगे जाना। तो अपने वॉइस का सबको सुना, अपने वॉइस का सबको रिकॉर्डिंग सुना, किस तरह का सुना? हाँ, दर बड़ी कर रहा। आपने देखा होगा कैसे उन्होंने गाया, ये गाया उन्होंने रिकॉर्डिंग हमारे करीब करीब याद भी है पूरा, उसी को ठहरा है। एक ही गाय केवल इंटेलिजेंटली उसमें पॉज लाया, अपने इसको ख्याल करना। तो घराना कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो सबसे जरूरत है, राग के प्रति श्रद्धा, राग को मानना, राग को देखना, ये सबसे जरूरत है। कोई बंद मुंह से गाते हैं, कोई खोल के गाते हैं, कोई शब्द को साफ, जैसे गुलाम अली खान साहब शब्द को काफी हद तक साफ रेंडिशन किया, जैसे अब्दुल करीम खान साहब पर स्वर पे शुद्धि पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, शब्दों को समझ में नहीं आता था। आप सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग, मैंने तो हजारों घंटे का रिकॉर्डिंग सारे कलाकारों का सुना, और सुन के यही सिद्धांत आया कि पहले राग सीखना चाहिए। घराना बहुत बात की बात है, पहले आम में मीठा है यह देखना चाहिए, बाद में आपको अल्फांसो और मुंबई आम की रिसर्च मालूम होगा। आम जो मीठा होगा वो अच्छा है, मीठा नहीं है तो फिर कुछ कीमत नहीं है आपको। तो संगीत जो प्यार करने वाला संगीत होगा, रिस्पेक्ट करने वाला संगीत होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए सबसे पहले रागों का सीखना चाहिए। राग को धुन बना के हम लोग गाएंगे तो फिर राग का विचार क्या होगा, समझ में है ना? तो घराने को इतना इम्पोर्टेंस। हाँ, अगर घराने पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो इस पर एक एक घराने पे एक दिन बोलने का टाइम चाहिए। उस घराने कौन कौन से कलाकार बड़े हुए, वो कौन कौन सी तरफ ध्यान दिया, वो मैं सब आपको बता सकता हूँ, मगर उसके लिए ये टाइम नहीं है। मगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बता रहा हूँ कि वो राग के प्रति, राग का चरित्र, राग का जो कैरेक्टर है उसको बचा के रखने के सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। थैंक यू। प्रणाम गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी, थैंक यू। कि कभी कभी प्रैक्टिस करते करते
हम टाइम क्रैक करके अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक वोकल फटीक होने लगता है, स्ट्रेस आने लगता है आवाज में, टायर्डनेस आ जाती है, तो इससे डील कैसे करें? सबसे पहले बातचीत बंद, फैटिक गाने से नहीं आता है, बातचीत से आता है। नंबर वन, आप जानते हैं शायद पिछले 50 साल में 500 से ज्यादा टेलीफोन लता मंगेशकर ने लिया, एक्सेप्ट नहीं करते टेलीफोन टू मेंटेन हर वॉइस। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू सुष्मिता जी कि वॉइस को बचाने के लिए सबसे पहला जरूरत है चुप रहना, नेक्स्ट एसिडिटी को बचाना, उसके लिए सबसे जरूरत है 7:30-7 बजे तक रात का डिनर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अगर 10-11 बजे भूख लगेगा, आप पूछ सकते हो कि उसके बाद 11 बजे तक मैं पढ़ता हूँ या रियाज करता हूँ तो क्या करो, जरूर खाना, मगर टोस्ट खाना, बिस्किट खाना, एक मिठाई खाना, मगर कुक्ड फूड मत खाना, और दिन में 4-5 लीटर पानी पीना। ये तीनों चीज पर आपका कमी है, इसीलिए फैटिक आ रहा है। हाँ, अष्टांग गायन की बात कर सकता हूँ, मगर आई नीड 3 आवर्स टाइम, आई नॉट टॉक इन दिस मैटर, क्योंकि आज समय नहीं है। गाने में अष्टांग है, मतलब जैसे भीड़ है, जैसे आंदोलन है, चलन में अंग, मतलब अंग, तानम, तालम, लयम, लिरिक अंग, अलंकार, अलग अलग अंग है। तो मैं इसको लेके बात कर सकता हूँ बिल्कुल, बट आई नीड 3-4 आवर्स टाइम, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, समझे? अगर मैं बोलूँ कि विरह, तो विरह एक शब्द है जिसको समझाने के लिए कम से कम 25 किस्म का विरह दिखाना पड़ेगा, बातचीत करना है ना, तो नहीं तो नहीं हो सकता। और सवाल पंडित जी, मेरे को एक सवाल था कि जब एडोलेसेंस है, फिर हम लोग को जब एक ऐसा समय आता है जब गला पूरी तरह फटना शुरू हो जाता है, तो उस समय रियाज करते वक्त स्केल और इनका बहुत तकलीफ होता है, तो उस समय राग को गाने के समय वो जो कोमलता चाहिए वो पूरी तरह ही हट जाती, तो उसको कैसे मैनेज करें? आप जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस स्केल एंड पिच? What is the difference between scale and pitch? आपको साफ नहीं है ये दृष्टि, जिसके बारे में बोल रहे हैं वो पिच है, स्केल नहीं है। स्केल है एक नाप, जैसे सा स्केल, और टा 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 भैर स्केल, नॉट भैर स्केल, टोड़ी टोड़ी स्केल, काफी स्केल, मगर टा 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 इंडिविजुअल ऑल आर पिच, नॉट स्केल। अभी भी हमारे देश में 90% लोग आप किस स्केल से गाते हो, गलत बात है, बोला जाए किस पिच से गाते हो, स्केल एंड पिच इज नॉट द सेम थिंग। ठीक है, अभी आपका सवाल मैं बता दें, एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है जानते हैं? वॉइस खराब होता है, मगर एग्जैक्टली क्या होता है? आपने कभी वोकल कॉर्ड देखा? आपको मालूम है कि क्या होता है? दो स्ट्रिंग रहते हैं वोकल कॉर्ड्स में जो कि वाइब्रेट होते हैं जिससे साउंड निकलता है। हाँ, वो उसको वो क्या होता है एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है? सर वो स्ट्रिंग धीरे धीरे लूज होते हैं और फिर मतलब वैरायटी ऑफ वॉइसेस निकालना और अगर ये 1 इंच है आपका वोकल कॉर्ड, वो 1.5 इंच हो जाता है, मतलब जो वोकल कॉर्ड का नाप है उससे बढ़ जाता है,
इसीलिए जो पिच इस पे था उस पिच नीचे आ जाता है। जैसे तार बड़ा होता है स्ट्रिंग तो पिच नीचे आता है, जैसे तार बड़ा गया यह बज रहा है सा, अब उसको ऊपर ऊपर कैसे बजाओ, नहीं ऊपर ऊपर ये पंचम हो गया, समझ में आया। तो इस डिस्टेंस में जो सा बजता है उसमें वो पंचम बज रहा है। तो तार छोटा होने से पीछा ही होता है, तुम जब छोटे थे तो तार छोटा था, तो एक पीरियड के बाद मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में बहुत कम होता है, फीमेल में होता है मगर आउट ऑफ हंड्रेड में भी एक कम होता है। तो उसमें एडोलेसेंस पीरियड में वोकल कॉर्ड लंबा हो जाता है, इसलिए पिच धीरे, और एक दिन में यहाँ से ऐसा ऐसा तो हुआ धीरे धीरे होता है, इसीलिए पिच धीरे से रहता है, उसमें से यहाँ तक आ जाता है डी में या सी शार्प पे, कभी कभी डी शार्प पे भी। तो उस समय बिल्कुल रियाज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वोकल कॉर्ड आइडल हो जाता है, मगर नीचे ऊपर ज्यादा मत जाओ। एडोलेसेंस पीरियड में बहुत लोग रियाज बंद कर दिया, उनका गाना खत्म हो गया, अल्टीमेटली देखा जाता है। ये जो तुमने सवाल पूछा जिससे वेरी वैलिड क्वेश्चन, इसके बारे में मैं कम से कम 20 ENT स्पेशलिस्ट से बात किया ऑल ओवर द वर्ल्ड कि क्या एग्जैक्टली होता है, कैसे इसको बचाना है। जब ये लोग सिखाते हैं तो बीफ्लैट में साई नहीं लगता है, उत्तर के साथ नीचे कर दो, ए कर दो, जिशा कर दो, फिर उस वक्त नीचे का भी रियाज कर देना चाहिए ताकि लोअर ऑक्टेव अच्छा हो जाए। जैसे सा नी ला पा मा गा नी सा नी ला पा, नीचे का सा यही लगाना कभी कभी असंभव है, जो गाता है जो सिखाए वालों में। जैसे सा 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 ऐसा होता है, तो पा मा गा नी सा नी ला पा मा गा नी सा नी ला पा, बहुत मुश्किल है। कभी कभी मेरा मातक जाता है नीचे का, नीचे सा का उसके नीचे मातक, सुना कि बड़े बड़े मेरे खासा को नीचे का सा तक जाता था, आई एम ऑल्सो स्टिल trying to go a little more, केवल अपने को रिस्पेक्ट करने के लिए, और कुछ जरूरत तो नहीं है इस सवाल, तो जरूरत नहीं। नीचे सा नी धा तक अगर आए तो यमन वहाँ भी या यमन हो सकता है, क्योंकि बेस को बढ़ाने का जरूरत इसीलिए होता है क्योंकि एक घर तो बना लिया, बेसमेंट तो नहीं होता है। अगर नॉर्मल एक घर में बेसमेंट का गुंजाइश है तो एक फ्लोर पूरा मिल जाता है, इसीलिए बेस को बहुत अच्छी तरह रियाज करने के लिए एडोलेसेंस पीरियड का भी बेनिफिट लिया जाता है और गला भी चालू रहना चाहिए। अगर सपाटी रियाज करें या वॉइस को बचाना चाहिए, रियाज करना चाहिए, तो धीरे 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 गला आपको वो जो जिसको बोलते हैं डेलिकेसी ऑफ वॉइस विल नेवर डिस्टर्ब विल नॉट नेवर बी डिस्टर्ब्ड टू मेंटेन। थैंक यू। और क्या सवाल है? और कितना टाइम है? जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक के स्टूडेंट हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो परफॉर्म करने जाते हैं, तो
फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उनको शोज करना पड़ता है, तो क्या ये क्लासिकल म्यूजिक में हमारे जो रियाज पे है वो प्रॉब्लम आता है? वेरी वैलिड क्वेश्चन. देखिए एक चीज हमने बना के उसको अलग कर दिया, जिसका क्लासिकल म्यूजिक का हिंदी क्या है? शास्त्रीय संगीत. यानी शास्त्र से जो उद्भूत होता है, कोई लॉ से इंसान बना या इंसान लॉ बनाया, कौन सा? तो फिर शास्त्र से संगीत क्यों आएगा? संगीत का शास्त्र बना, जिस संगीत का शास्त्र बनाया जा सकता है उसको शास्त्र संगीत बोल सकते हो. तो पहले संगीत है, पहले शास्त्र नहीं है. तो संगीत का मतलब है स्वर और सुर और शब्द और ताल. और हम कैसा आदमी हैं उस तरह हम म्यूजिक गाएंगे. अब जो भी गाइएगा उसको जान के अगर गाएंगे तो उसको बोल सकते हैं कि शिक्षित कलाकार है और एजुकेटेड कलाकार है. बाकी जो जान नहीं जानते हैं वो अनएजुकेटेड कलाकार है. तो अनएजुकेशन किसी किस्म का हो सकता है. जैसे मैं बोल रहा हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों से कभी बीत न जाए रहना. कुछ तो जान के गा रहा हूं, इसीलिए मुझे मालूम है कि कहां मैं कैसे इसको चेंज किया. मगर ये जो सुन के गाता है वो है अनएजुकेटेड बट गुड आर्टिस्ट. ये प्रॉब्लम हमारे देश में फिल्म म्यूजिक में हमेशा रहा. ये प्रॉब्लम के बारे में हमारे साथ लता जी का घंटों तक बात हुआ है. ओ शी इज वेरी क्लोज टू मी, शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई गुरु. मैं उनसे बहुत सारी चीज सीखा. तब कुछ तो जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे, ये कौन सा स्वर में गया, कौन गा सकता है स्वर बताइए. जो भी बताएंगे गा मा पा भी बोले दादी. कुछ तो लोग सा भी नहीं चाहिए, धा भी नहीं चाहिए, तो कैसे सुर बनना है. गुड, योर अटेम्प्ट इज वेरी गुड. कुछ तो लोग अगर बोलो तो क्या होगा. कुछ तो लोग कहेंगे, ये भी हो सकता है. कुछ तो लोग कहेंगे, भी हो सकता है. कुछ तो लोग कहेंगे, हो सकता है. कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, हो सकता है. खराब कर दिया मैं गाना. दिस इज एजुकेटेड म्यूजिशियन, इसको नाम है क्लासिकल म्यूजिक. क्योंकि ऑल दिस थिंग्स क्रिएशन कम्स फ्रॉम राग. मगर किशोर जी भी नहीं गाना, कुछ तो लोग कहेंगे कम से कम एक घंटा गाऊंगा मैं. मन्नाडे का ऐसे बहुत गाना मैं मन्नाडे जी के सामने गाया, मन्नाडे घंटों तक रोते रहे. आपकी कैसी गा रहे, मैं बोलते आप ही का तो गाना, मैं तो नहीं गा रहा हूँ, आप ही का तो गाना मैं गा रहा हूँ. होल क्रेडिट गोस टू यू. बोले आप ये ऐसे कैसे गा रहे. हमसे सब आप ही से सुन के जो बहुत राग संगीत थोड़ा बहुत सीखा उसमें से जोड़ने के बाद. पर इसको कुछ तो लोग ये नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते. ये तालीम भी राग देता है. या कुछ तो लोग
कुछ तो लोग कुछ तो लोग कुछ तो लोग केवल कुछ तो लोग ये मैं 200 दफे गा सकता हूँ और ये आप भी गा सकते हैं कुछ गा सकते अजय जी का बाप बैंक पे रख के गया था उठा उठा के मैं दे रहा हूँ नहीं नहीं सब आप कर सकते सब आप कर सकते हो मगर एक तरफ शिक्षा पर और इसमें कुछ खराबी नहीं है और दूसरा गाना गाने में मगर जान के गाना उसमें स्वर क्या लगता है और सुर क्या लगता है सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे विद्वान ऐसे कहते हैं कि अगर आप क्लासिकल म्यूजिक का रियाज कर रहे हैं तो आप ये परफॉर्म मत करिए उससे आपकी गले में खराबी आ जाएगी या रियाज खराब हो जाएगा देखिए जो बोलते हैं विद्वान के लिए हमारा श्रद्धा है और मैंने तो हमेशा किया हम उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ जैसे मैं एक एक चीज बता रहा जैसे किरवानी जाके न्यू ऑर्लीन्स में जैज म्यूजिक जहाँ पहला इशू आया है वो प्रेजेंटेशन हॉल में उन म्यूजिशियंस के साथ बैठ के ही गाया तो खराब क्या हो गया खराब तो हो गया नहीं कुछ ऐसे गाना मेरा हमेशा बहुत खराब ही है उससे खराब नहीं मैं उस खराब को गाते हैं तो मगर गले को ताज़ा रखने के लिए जैसे बॉडी को ताज़ा रखने के लिए पानी चाहिए फूड चाहिए डिसिप्लिन चाहिए इस तरह गाने को ताज़ा रखने के लिए रियाज चाहिए हर रोज़ का वो करने के बाद अगर करिएगा तो कोई नुकसान नहीं है अगर रियाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा ये तो हमारा दृष्टि है आप मैं इसी तरह बोला तो कुछ फर्क नहीं मैं बोला कि अरे आप कहाँ से आ गए अरे आपको देखने को मिलता है तो गाना गा वही शब्द केवल तरीका फर्क बदल गया है मगर एक चीज मेरा बहुत खराब हो रहा है कि आनंद को मैं सुना नहीं पा रहा हूँ शाम को मैं वो गाएगा क्योंकि वो हमसे अच्छा कुछ कुछ चीज बहुत अच्छा गाता है हमसे उसको सुनाना चाहिए और मुझे लगता है कि खैरागर का संगीत का दर्शन यानी संगीत का विजुअलाइजेशन अगले 5 साल में बहुत फर्क आएगा अगर नहीं आएगा तो फिर मेरा आना बेकार है आई वॉन्ट यू टू शो मी समथिंग जो सुन के हमें भरोसा आएगा कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संगीत का बहुत आगे जा रहा है मांडवी जी जो मेहनत कर रही है बैकग्राउंड में रह के क्या क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए इट्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन आज भी सुष्मिता जी को भी मैं बहुत इज्जत के साथ बोल रहा हूँ कि यू आर गिविंग द कंट्री द रियल वैल्यू बैक टू आवर सोसाइटी एंड डोंट स्टॉप इट जब तक हमारा गोल नहीं आएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं स्वामी विवेकानंद जी का मैं बात बोल रहा हूँ स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल तो मेरे ख्याल से आप लोग एक प्रॉमिस लीजिए और बहुत स्वर सुर को जो मैं बोला जो कि गामा पानी ये गाने का स्वर है गामा पा धसा धसा नी बोलने से इससे भी खराब हो जाता है गामा पानी गामा पानी प्रोजेक्शन कहाँ है वो स्वर मैं बताऊंगा बाकी है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अरे शान बहुत अच्छा है मगर दिन में आगे घड़ी भी अच्छा है मगर बोला नहीं
शार्ट देख रहा हूँ ना मैं, तो शार्ट अच्छा है। अरे आपका चश्मा बहुत अच्छा है, मगर आँखें नहीं देखा तो फिर चश्मा क्या देखा। तो स्वर और सुर दोनों को देखना, शब्द को मतलब के साथ पढ़ना हाथ से, और जो भी कर रहा हूँ उसका लय का जो हिसाब है, धन ना धन ना धन ना धन ना धन ना धड़क धग न धन न धन धग तिन धाक धिन धग धग धिन धा तिन धन ना तुक धिन धन ना तुक धिन ना धिन ना धिन धन ना तिन ना धिन धन ना धा धिन धन ना। ऐसे नहीं कि धा धिन धिन दा धा धिन धिन दा ना तिन धिन दा तुक धिन धिन दा, ये चिंता नहीं है, ये चिंता नहीं है। चिंता है धन कृदिन ना ना धिन ना तिन धन ना तुक धिन धन धक धग नदी न धग धिन धिन धा धिन धिन ना धग धिन धिन ना धिन ना नग धिन धिन ना धिन ना नग धिन धिन ना। इस जहाँ रस पैदा हो, जिस बोल से संगीत पैदा हो, अल्फाबेट नहीं बोलना, वर्ड बोलना, सेंटेंस बोलना, साहित्य बताना। क्या हो गया, क्या करना है? बंद कर रहे हैं अब लोगों को, सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरा भी नहीं है। अगर जो सबसे खराब चीज़ है बात करना, वही मैं कर रहा हूँ। आप मुझे पूछ सकते कि आप क्यों कर रहे हैं, पर ना करूँ। ये सवाल करने वाला इंसान बहुत कम हो गया, और सच्ची मायने में दिल से प्यार करने वाला, जो सच में आपको भला चाहे, इसके लिए कुछ देना पड़ता है, लेने से नहीं होता है। तो मैंने समझा कि हमारा गाना तो काफ़ी मैं गाया, और नगाव तो क्या है, अभी हमारे बच्चे लोग कौशिकी है, अनल है, ब्रजो है, देवर्षी है, कौस्तुभ है, फिर सितार है, सरोद है, बांसुरी है। आप बांसुरी भी सुनेंगे, मेरा एक शागिर्द है परमानंद, बहुत अच्छा, वो पार्थ चटर्जी के पास अभी सीख रहे हैं। तो पहले उनको पिताजी हमारा दोस्त गोपाल, गोपाल का बैंड को भी मैं सिखाया, वो फैमिली के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। तो वो भी बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है, अनोल गायगा रायपुर में, रायपुर में। फिर हमारा एक और एक बच्चा, वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, यशोवंत, जो तबला बजाता है। ऐसा तबला उस उम्र में हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला था। तो मेरा शागिर्द नहीं है, मगर हमारा भी बच्चा जैसा है, उसको इंस्पिरेशन बहुत मैं देने का कोशिश किया, अपने पास बोला कि उनको रखा। फिर अभी जोगेश के पास, जोगेश शामसी जी, जो कि देश के सबसे विद्वान कलाकारों में से एक है, इस साल नहीं हुआ, अगले साल मैं सुष्मिता जी को बोलूँगा कि उनको भी बुला के थोड़ा सा वर्कशॉप किया जाए तबले पे, क्योंकि ही इज़ द ओनली तबला प्लेयर हु नोज वोकल म्यूजिक एंड तबला साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट इन द सेम स्टैंडर्ड। तो वो भी हमारा छोटा भाई है। तो हम चाहते हैं कि सब लोगों को मदद से आप जनरेशन को ये बताया जाए कि आप कितने महान हैं और कितने महान हो सकते हैं। तो उस तरफ यू मेक ए जर्नी एज अर्लीस्ट पॉसिबल, तब जाके ये सब लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन की कीमत होगा, नहीं तो फिर क्या होगा। तो होने वाला है, हाँ बोलिए सब मिलके, कि मैं अगली दफे जब आऊँगा तो एक अलग सा आग देखूंगा, या हाँ या ना। मंडली जी, आपके सामने उत्तर हुआ हाँ, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ। उसके लिए हमसे जितना हो सकता है हम आपको मदद करेंगे। हम मर भी जाएंगे, ये लोग हैं टू शेयर। हाँ, एक्सपीरियंस इनका तो उतना नहीं है जितना मुझे है, मगर रीत और ह्यूमैनिटी पूरा है इन लोगों में, आप लोगों में भी है, मगर उसको डेवलप करना है। हर जगह में, हर फैमिली में इतना इंस्पिरेशन हर वक्त नहीं मिलता है, मगर लड़के लेना है, छोड़ूंगा नहीं, समझा के उठूंगा। तो आज समापन करना है, माफी मांग रहा हूँ
मुझे भी नहीं इच्छा हो रहा है, मगर इतना बाग बक कर रहा हूँ अभी तक हमारा गला एकदम थकने लगता है। हाँ जी बोलिए। राग बिहार का जो झपताल की जो बंदिश आप गाते चिंता ना कर रहे, वो उसका दो लाइन कौन सा? चिंता ना कर रहे उस्ताद मशहूर अली खान साहब की जो। अच्छा वो चिंता ना कर रहे, ये मैं मशहूर भाई से बंदिश लिया था, मगर मेहरबान खान साहब की बंदिश है ये। अच्छा मैं इसको बंदिश का आपको बता देता हूँ। चिंता ना कर रहे, बेचिंता रहो मन में, अल्लाह करम करे सब दुख झर रे। याद रहेगा? चिंता ना कर रे, बेचिंता रहो मन में। आप चाहे लिख लीजिए जिनका इच्छा है। चलिए इसको करके फिर उसको खत्म करूँगा। कितना अच्छा बंदिश है ये, बहुत अच्छा बंदिश है। चिंता ना कर रे, गाना बिल्कुल बहुत पॉपुलर हुआ था, डोंट वरी बी हैप्पी, वही गाना ये है मगर राग में है। चिंता ना कर रे, बेचिंता रहो मन में, मतलब टेंशन फ्री हो जाओ, अल्लाह करम करे, मगर इसमें अल्लाह की आशीर्वाद चाहिए। अल्लाह करम करे सभी दुख झर, सभी दुख झर। वाह, चिंता न कर रे, बेचिंता रहो मन में, अल्लाह करम करे सब दुख झर। अंतराय तू करीम तू रहीम, तू सत्तार तू गफ्फार, तू करीम तू रहीम, तू करीम तू रहीम, तू सत्तार तू गफ्फार, प्यारे मेहरबान तू अल्लाह से डर ले। झपटा लो बंदिश है दिल सारे दिल दिल ना तो चित्र तू करीम तू रहीम, तू सत्तार तू गफ्फार, प्यारे मेहरबान तू अल्लाह से डर ले। Thank you.
फिर जैसी चिंता ना करे, ना करे चिंता, करो ना चिंता, बेचिंता रहो, रहो बेचिंता, बिस्तर इसका नाम है। शब्दों को जो है मीनिंगफुल फ्रेज थोड़ा लेके राग में सजाना, उसका नाम है बिस्तर। बेचिंता रहो मन में, मन में बेचिंता रहो, चिंता ना करे, मन में बेचिंता मतलब के साथ जाओ, ऐसे नहीं चिंता शब्द गया। चिंता शब्द कितना बड़ा हो सकता है, चिंता ना करे, चिंता Thank you.
आपको कुछ मिला तो आप क्रेडिट गोस्ट माय गुरुज, अगर नहीं मिला सारी गलती मिली है। गुरुजी सभी बच्चों की ओर से एक प्रश्न है, अगर आप अलाउ करें खत्म होने के बाद भी, कि कितने घंटे इनको रियाज करना चाहिए? I would say minimum 24 hours. क्योंकि मच्छी बनना चाहते हो तो कितना समय पानी में रहना चाहिए, ऐसा सवाल चाहते हो। अगर मच्छी बनना चाहते हैं तो केवल पानी में ही रहना है, पानी से उड़ जाओ तो सांस गया, पानी इज योर लाइफ। क्या नहीं आपको बता रहा हूँ, आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस 13 to 14 आवर्स से डे, आई डिड इट फॉर 7 इयर्स। मैं सूरज भी नहीं देखा, चांद भी नहीं देखा साथ साथ, फिर भी मुझे इतना ही सहारा है। और ये सच है, आप जितना ड्राउन होंगे, समुद्र के जितना गहरे जाओगे जाओगे आप, उतना ही आपको पर्ल मिलेगा। सरफेस पे पर्ल नहीं है, डायमंड भी नहीं है, वो बहुत नीचे है। तो पर्ल मिलना है वो सच में, अगर समुद्र में पाओ भिगो के आ जाओगे तो कभी पूरी चल जाओ, अगर पाओ भिगोने से थोड़ा सा गहरा जाना चाहते हो तो समुद्र में जो पाओ भिगो के आ जाता है, जो नाव लेके एक मील तक जाता है, सबको दसो, और कोई होटल से कमरे में होटल के कमरे में बैठ के समुद्र देखते, सबको समुद्र मालूम है, मगर जो डाइव कर रहा है डाइवर पिछले 10 साल से, उनको भी कुछ मालूम नहीं है, वो ढूंढ रहा है कहाँ पर मिलेगा। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है। अगर आप पक्षी बनना चाहते हो तो पानी में रह जाओ, ऊपर मत आना। थैंक यू। सभी विद्यार्थियों की ओर से विद्वान पर आपने अपना इतना कीमती समय देके हमको लाभान्वित किया है, और मुझे आशा है कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अभी पूरी तरीके से सीख नहीं पाए होंगे तो सीखने का जोश तो ज़रूर आया होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ KVR महोत्सव की पूरी टीम भिलाई को, हमारे विश्वविद्यालय को, और भिलाई टीम के सारे सहयोगियों, छत्तीसगढ़ टूरिज्म, भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ITC संगीत रिसर्च अकादमी कोलकाता, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, इन सभी को हमारी ओर से धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना बड़ा आयोजन किया। धन्यवाद। ऑटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट मत करना, लगता है कि मुझे उससे थोड़ी अच्छी चीज़ तुमको दिया। ऑटोग्राफ और फोटो में कुछ रखा नहीं है, फोटो अंदर कर लेना, और मेरा ऑटोग्राफ ऐसा कोई नहीं है कि महात्मा गांधी का ऑटोग्राफ है रखने से हमारा पता मिल जाएगा, मैं तो मामूली आदमी हूँ। आप अगर वो पूजा मंजूर करते तो मेहरबानी अल्लाह की, गुलाम अली खान साहब की शब्द मैंने मुझसे बोल दिया कि लय और सुर से हमेशा डर लगता है, कभी भी फिसल सकता है, तो ये दिल में रखते हुए आप सब के लिए मैं एक शब्द और भी बोलूँगा, अगर आपको कुछ मदद चाहिए और भी, यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू ईमेल, मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे इसके साथ भी कुछ सपोर्ट ज़रूरत है, तो मेरा MFASN म्यूजिक फॉर ऑल श्रुति नंदन ऑनलाइन में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो। ऑनलाइन में मैं लाइव क्लास देता हूँ, मेरे सिवाय किसी का लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास देता हूँ सैटरडे मॉर्निंग को, बाकी सब इन्फॉर्मेशन आप ईमेल से ले सकते हैं, MFASN म्यूजिक फॉर ऑल श्रुति नंदन ऑनलाइन @gmail.com, इस पर कॉन्टैक्ट करना, और आपके दिल में मैं हमेशा रहूँगा, हमेशा हूँ, और विथ द काइंडनेस ऑफ यूनिवर्सिटी
एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, अगर कभी भी किसी काम पे मैं आ सकता हूँ, प्रॉमिस।